अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूँ तो फूलों वाले प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी से हम सभी लोग वाकफ़ हैं, जो कि सर्दी और गर्मी में फूल देने वाले प्लांट्स मौसम बदलने तक हमारे गार्डन में खूब फ्लावरिंग करते हैं और हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, नज़र आते हैं और देखने में भी बहुत ही भले और दिलकश लगते हैं। लेकिन मसला ये है कि विंटर सीज़न के प्लांट्स सर्दी में भी एक ख़ास टाइम तक फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि बहार के दिनों में, और तकरीबन मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग अच्छी होती है। और समर सीज़न वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी सीजनल ही होते हैं, तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गार्डन की जो रौनक होती है वो धुंधली पड़ जाती है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की तलाश होती है, मुझे भी होती है और मेरे ख्याल में मेरे सभी बहन भाइयों को, और ख़ास तौर पे जिन बहन भाइयों को या बच्चों को गार्डनिंग का न्यू शौक लगा है, तो उनका भी दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स हों जो देर तक हमारे गार्डन में खिले रहें। क्योंकि जब सीजनल प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता गर्मी या सर्दी की वजह से डेड होना शुरू होते हैं तो यूं दिल परेशान सा होता है और तबीयत में एक मायूसी सी छा जाती है। तो इन दिनों ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा खूबसूरत सा प्लांट हो जो कि पेरिनियल हो और हमारे गार्डन में बना रहे, और सर्दी और गर्मी दोनों मौसम बर्दाश्त करने वाला प्लांट हो। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत से फूलों वाले प्लांट पे बात करेंगे, जिसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया, और इसे मैक्सिकन ब्लूबेल भी कहा जाता है और र्यूलिया सिंप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है ये प्लांट। इसके अलावा ब्रिटॉन्स वाइल्ड पिटूनिया भी कहा जाता है इसे। तो ये प्लांट जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो है एकेंथीसिया। इसके प्लांट्स में एक खास बात ये है कि ये एक फॉर एवर ग्रीन प्लांट है और ये एक फूल देने वाला प्लांट है, और ये प्लांट मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का नेटिव है। फ्लोरिडा में ये प्लांट बहुत ज़्यादा वसत इख्तियार कर गया, जिसकी बना पर इसको 1933 से कबल ही एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे मुतारिफ़ करवाया गया। ये प्लांट एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है और इसकी लंबाई तकरीबन 3 फीट तक होती है, और इसके लेंस शेप्स जो लीव्स हैं वो मिलकर स्टॉक्स की जो होती है ना कलोनीज बनाते हैं। तो इस प्लांट का जो फ्लावर है वो 3 से 4 रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद, गुलाबी और पर्पल, और इस फ्लावर की 5 पेटल्स होती हैं और इसकी ज़िंदगी जस्ट एक दिन की ही होती है। एक बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था जान रियुल, इसके नाम से ही इस प्लांट का नाम रखा गया था, र्यूलिया सिंप्लेक्स। तो इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं ट्रम्पेट शेप्ड, शुरू में इनका कलर मेटालिक ब्लू रंग के होते हैं सेंटर में से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्पल हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब बहुत से फ्लावर्स एक प्लांट पे गुच्छों की सूरत में खिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस शाम तक वो फूल में मुरझा जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अगले दिन फिर वो ऐसे ही बहुत से प्लांट्स अगर पड़े हों तो उन पे काफ़ी सारे फूल खिले हुए हों, इतने प्यारे खूबसूरत लगते हैं और बहुत अच्छा मंज़र पेश करते हैं। और जिस तरह की मिट्टी में इसको लगाना है वो मैं आपको बताऊं कि आप अगर ज़मीन में लगाते हैं तो आप
कोई सी भी सॉइल में लगा दें, लेकिन पॉट में ख़ास तौर पे इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। और जिस तरह मैंने इस प्लांट को जौन सी मिट्टी में लगाया हुआ है मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मेरा रूफटॉप गार्डन है तो उसके लिए मुझे ऊपर तक मिट्टी मंगवाना बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो मैं मंगवा लेती थी, क्योंकि पहले तकरीबन 6-7 साल पहले कुछ मिट्टी भी कम, उनके प्लांट्स कम थे तो मिट्टी कम यूज़ होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मेरे पास माशाल्लाह प्लांट्स ज़्यादा होते गए तो अब मैंने काफ़ी अरसे से ये काम शुरू किया हुआ है कि मैं तकरीबन सभी पॉट्स में नीचे किचन वेस्ट और जो मेरे गार्डन में से सूखे हुए पत्ते निकलते हैं और जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं वो मैं सारा नीचे भर के तो ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ और उसको पानी दे के मैं तकरीबन 15-20 दिन या बाज़ औक़ात 1 महीने तक भी गमला खाली पड़ा रहता है, फिर किसी स्टिक वगैरह से उसको नीचे दबा दिया और मज़ीद ऊपर जो अच्छी वेडर सॉइल बनी हुई होती है मेरे पास मिक्सचर बना के मैं सेव कर लेती हूँ अपने पास, तो उसमें से डाल के गमला फुल करके मिट्टी का तो फिर प्लांट लगाती हूँ। और ये वाला प्लांट भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। और खाद वगैरह इसको अगर आप डाल देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्लांटर में लिमिटेड सी स्पेस होती है जिसमें प्लांट ग्रोथ करते हैं, इसलिए उनकी खाद खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी अच्छी फ्लावरिंग हम चाहते हैं उसके लिए हमें प्लांट को उतनी अच्छी डाइट भी देना पड़ेगी, तो इसके लिए इसका प्रॉपर तरीके से पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ना तो ओवर वाटरिंग हो और ना ही अंडर वाटरिंग हो। बस जब पॉट की मिट्टी सूखे तो अच्छी तरह से भर के पानी दे दें, वेल ड्रेन सॉइल मिल गए। और किस तरह की लोकेशन पे रखना है आपने इसको, ये प्लांट सर्दियाँ तो अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर जाता है, यानी कि सारा साल बहुत अच्छा रहता है, बस जिन दिनों बहुत ज़्यादा लू चलती है उन दिनों इसको शेडी एरिया में रख लें तो बहुत बेस्ट है, यानी कि सुबह 11-12 बजे तक की धूप इस पर आए उसके बाद इस पर शेड आ जाए, नेट के नीचे रख लें या किसी दीवार के साए में रख लें तो बहुत बेस्ट है। और पेस्ट वगैरह जो हैं इस पर कोई मुझे तो नज़र नहीं आया, लेकिन अगर हो जाए तो वही रूटीन वाइज आप जो भी गार्डन में यूज़ करते हैं स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का कर दें या कोई भी कर दें तो इस ख़तरे से बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो बात है कि आपने इस प्लांट की प्रोपोगेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए हम इसको कटिंग के ज़रिए बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसकी आप 6 इंच की कटिंग लगा दें या इससे छोटी लेके भी लगा दें तो भी रूटिंग पकड़ लेती है बहुत आसानी से, तो और सीड के ज़रिए भी ये ग्रो हो जाता है। बहुत ही प्यारा और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है, एक जो समझे कि रफ टफ सा प्लांट है ये, और माशाल्लाह देखें देखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप के मैक्सिकन पिटूनिया के मुतालिक तमाम बातें जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, अगर कोई बात रह गई हो किसी टॉपिक पे या कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, उम्मीद करती हूँ